बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 16 है और हम एक्सरसाइज कर रहे थे 12.6। मैंने बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 6 आपको गाइड किया था, तो आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 5 और इसका क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और 10 सॉल्व कर दिए, 2 क्वेश्चन आप करेंगे, बाकी मैंने सारे सॉल्व कर दिए। ये वो क्वेश्चन है जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बाकायदा तौर पर उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बाकायदा फार्मूले लिखे थे उसके, और फार्मूले 2 टाइप के लिखे थे, ये याद है, हाफ एंगल फार्मूलास कॉस की शक्ल में और लॉग कोसाइन। ये कब यूज करते हैं लॉग कोसाइन या हाफ एंगल फार्मूला? जब 3 साइड गिवन हो, जब 3 साइड मौजूद होंगी तो हम बाकी एंगल निकालेंगे। एंगल फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे लॉग कोसाइन या हाफ एंगल का फार्मूला अप्लाई करें। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस लेक्चर में बाकायदा तौर पर एक क्वेश्चन में हाफ एंगल का फार्मूला अप्लाई किया था और एक क्वेश्चन में लॉग कोसाइन अप्लाई किया था। बेटा जरा गौर से देखिएगा एक्सरसाइज 12.6 क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, प्रूव ग्रेटेस्ट एंगल। तो बेटा मैंने आप लोगों को प्रीवियस में बताया था, जब वो स्मॉलेस्ट एंगल की बात करेगा या ग्रेटेस्ट एंगल की बात करेगा, हम सिर्फ एक एंगल मालूम करेंगे, अदरवाइज हम मालूम करते हैं 3 एंगल, अल्फा, बीटा और गैमा। इसमें ग्रेटेस्ट एंगल पूछेगा, एक एंगल की बात करेगा, स्मॉलेस्ट एंगल की बात करेगा, एक एंगल की बात करेगा। यहां पूछ रहा है कि बताएं ग्रेटेस्ट एंगल जो रिजल्ट आता है वो 120 डिग्री आता है। ए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बी 2x प्लस 1, सी एक्स के माइनस 1। तो बेटा एक बात बता दूं आपको, एक्सरसाइज 12.6 में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। और बात बता दूं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 8 और 10 इस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है, बल्कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा देखिएगा, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। आपने नोट किया कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट साइड है, वो है ए वाली। अगर ग्रेटेस्ट साइड ए होगी तो उसका ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा अल्फा होगा, ग्रेटेस्ट साइड बी होगी तो एंगल कौन सा होगा, बीटा होगा, ग्रेटेस्ट साइड सी होगी तो एंगल कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, गैमा होगा। जहां बताइएगा बेटा ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है, ग्रेटेस्ट साइड जो हमारे पास ए है, लिहाजा ग्रेटेस्ट एंगल अल्फा होगा। तो मैंने फार्मूला लिखा है कॉस अल्फा, लॉग कोसाइन यूज किया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो मैंने इस फार्मूले को आगे हल करने की बजाय पहले उन फार्मूलों के सके ओपन कर दिए। ए दिया हुआ है एक्स के प्लस एक्स प्लस 1, टी वैल्यू वाला ए प्लस बी प्लस सी होल पावर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स की 4 बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 1 बनेगा प्लस 2ab 2x क्यूब, ए बी बी सी 2x, ए सी 2x स्क्वायर, बी क्या दिया हुआ है 2x प्लस 1 इज स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, सी का स्क्वायर x की 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। बेटा मैंने बताया था, मेरी कोशिश होती है जो भी लेक्चर आपको गाइड करूं उसके जो फार्मूलास हैं पहले मैं लिख लेता हूं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डिफिकल्ट पॉइंट आते हैं बकायदा उसको मैं इजी करने के लिए ये फार्मूले के अंदर भी पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले तीनों का स्केल
प्रोवाइड कर लिया है ताकि आपको पुटिंग करने में आसानी हो जाए। अब सिर्फ बी स्क्वायर भी निकाल लिया, सी स्क्वायर निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाल लिया, अब जस्ट फार्मूले में ही पुट कर दी बेटा, क्या लिखा हो सकता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो पहले इसकी वैल्यू लिखी मैंने, बी स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, बी स्क्वायर है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 है, सी स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस ये लिखा हुआ है, ये सारी वैल्यू ए स्क्वायर की है ओवर 2bc, मल्टीपल किया तरतीब दी सिंपलीफाई किया, ज्यादा ऊपर मैंने क्या किया है मैंने नफी कॉमन ले ली है, जब नफी कॉमन ले ली ये प्लस प्लस माइनस माइनस ये करता है सेम है बेटा, ऊपर वाली वैल्यू भी सेम है, बाकी का बचता है माइनस वन बाय टू, तो कॉस अल्फा माइनस वन बाय टू, अल्फा बराबर है कॉस प्लस माइनस वन बाय टू। तो बेटा याद रखिएगा कॉस इनवर्स में माइनस बाय माइनस वन बाय टू की जो एंगल की वैल्यू आएगी 120 डिग्री, मैंने यहां लिखा है, अगर आपसे कोई पूछ ले cos 120 डिग्री इक्वल टू 1 - 1/2, तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हो गया हमारे पास 120 डिग्री है, अगर यहां पे प्लस होता तमाम बच्चे सुन ले गौर से, अगर यहां 1/2 होता तो 60 आता, वजह बेटा cos 60 क्या होता है, cos 60 डिग्री 1/2, cos 120 -1/2, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 का जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो है 120 डिग्री। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आप इस एक्सरसाइज का पठन बता दो, क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप खुद ट्राई करेंगे, मैंने 7 और 10 सॉल्व कर दिया है, 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बकायदा बताया हुआ है एक विलेज है उसके 3 रोड्स हैं, फर्स्ट रोड की जो वैल्यू है जो फर्स्ट रोड कितने किलोमीटर का है, फर्स्ट रोड है 6 किलोमीटर का, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं, दूसरा रोड 9 किलोमीटर है, थर्ड रोड 13 किलोमीटर है, तीन रोड है, तीनों मिल रहे हैं, हमने उनके एंगल बता दिए, मैंने डायग्राम बना दिया है, अब पहला रोड 6 किलोमीटर, दूसरा 9 किलोमीटर, थर्ड रोड 13 किलोमीटर, तो तीनों रोड जब मिलते हैं उनके हमने एंगल्स बताने हैं, यानी हमने मालूम करना है अल्फा बी बीटा बी और गामा बी, तीन एंगल फाइंड करने हैं। अब बेटा देखिएगा अल्फा फाइंड करने के लिए कॉस अल्फा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, ए बी की वैल्यू सी की वैल्यू ए की वैल्यू सिंपलीफाई करेंगे 0.1945 इनवर्स लेंगे 23 डिग्री 51 मिनट 39 सेकंड, और मैंने पहले भी तमाम बच्चों को बार बार बता रहा हूं आप जब डायरेक्ट कॉस इनवर्स लेंगे जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, कैलकुलेटर की मदद से उल्टे कॉमास का बटन दबाएंगे, जब अल्फा की बात करेगा बीटा की बात करेगा गामा की बात करेगा हम रिजल्ट पॉइंट में नहीं लिखते, हम रिजल्ट पॉइंट में नहीं लिखते, क्या करते हैं उल्टे कॉमास का बटन प्रेस करेंगे, डिग्री मिनट सेकंड आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू अब मालूम करना है बीटा वही लॉग कोसाइन कॉस बीटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac वैल्यू पुट करेंगे सिंपलीफाई करेंगे 0.7948 इनवर्स लेंगे तुम्हारे पास 37 डिग्री 21 मिनट 25 सेकंड। बेटा हमने अल्फा भी फाइंड कर लिए और बीटा भी फाइंड कर लिए, बाकी मालूम कर रहे हैं गामा, आप सबको पता है जब दो एंगल मौजूद हो तीसरा एंगल मालूम करना हो सम ऑफ थ्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री, आपके पास एंगल अल्फा भी मौजूद है बीटा भी मौजूद है गामा फाइंड करना है, तो आप 180 में से दोनों एंगल का सम ले 180 में से माइनस करें तो गामा आएगा 118 डिग्री 46 मिनट और 56 सेकंड। तो तमाम बच्चे सुन ले 12.6 में आपने देखा कि दो टाइप के क्वेश्चन थे, एक में पूछा था फाइंड समालेस या ग्रेटेस्ट एंगल,
इसके अलावा बाकी कुछ क्वेश्चन पूछा था कि थ्री एंगल मालूम करें। थ्री एंगल मालूम करने के लिए आपने क्या किया, आप हाफ एंगल फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ला ऑफ कोसाइन भी। इस क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं, इसमें उसने बताया हुआ था तीन रोड है, एक की जो लेंथ है 6 किलोमीटर है, दूसरी 9 किलोमीटर है, सी 13 किलोमीटर है, उनके अपने एंगल मालूम करने हैं। तो आपने अल्फा भी मालूम करना था, बीटा भी और गामा भी। तो बेटा जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इस 12.6 में फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रब्ता होगा। अल्लाह हाफिज़।